हेलो फ्रेंड्स, एरिस पटेल इज हियर। और आज के इस वीडियो में हम इंटरव्यू में कोटिंग से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमारे आज के इस वीडियो का टास्क है, बहुत बहुत सिंपल टास्क है। चलिए देखते हैं टास्क क्या है कि स्वैप द वैल्यू बिटवीन टू वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल हैं, वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 780 है, उसके पास उसके अलावा आपके पास जो वेरिएबल बी है उसकी वैल्यू 10 है। अब हमें स्वैप करना है। स्वैप मीन्स हमें ए को B की वैल्यू असाइन करना है और B को A की वैल्यू असाइन करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। इसके लिए मैं ऑनलाइन कंपाइलर का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्स कोड है आप एक्स कोड का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें दो वेरिएबल क्रिएट करना है, दो वेरिएबल। तो वेरिएबल A इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने कितना दी, 780, ठीक है ना। और हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल वेरिएबल वैल्यू क्या है, 10 है, ठीक है ना। अब हमें एक कंडीशन है कि आपको कोई भी इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है ना, या फिर आपको वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं करनी है। जैसे अगर आपने, अगर आपसे इंटरव्यू ने क्वेश्चन या इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन, आप इसकी करिए, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 10 कर दिया क्योंकि ये वेरिएबल है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। बी इज इक्वल टू 780। अगर आप इसको प्रिंट करते हैं चलिए अब हम इसको प्रिंट करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितना आती है। देखिए यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, ए की वैल्यू 10 हो गई लेकिन, और बी की वैल्यू 780 हो गई। लेकिन इंटरव्यूअर आपको ये करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। वो ये बोलेगा कि आप वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इस कंडीशन में आप इस वैल्यू को स्वैप करके, इस कंडीशन में हम एक तीसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा वेरिएबल सी, और इसको हम किसके इक्वल कर देंगे, ए के इक्वल कर देंगे। तो हमने ए के इक्वल कर दिया, इसका मतलब ये है कंडीशन में आपकी जो हुई है वैल्यू आपके ए के बराबर, और वैल्यू क्या है 780। वैल्यू क्या है इस कंडीशन में, ऐसा लिख सकते हैं, इस कंडीशन में सी की वैल्यू आपको क्या है 780 है। तो हम क्या करते हैं कि बी इक्वल टू ए कर देते हैं। कंडीशन में क्या हुआ, जो आपके वी की वैल्यू है वो के बराबर इक्वल हो गई, ए के इक्वल हो गई। इस कंडीशन में आपके बी की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू हो जाए 780। एक्चुअली हम यहाँ पे ए की वैल्यू साइन, ए को वैल्यू साइन कर देते हैं, मानते हैं कि ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको आपके जो ए की वैल्यू जाएगी, आप ए इज इक्वल टू, तो बी के इक्वल कर दिया 10 हो गई, एक वैल्यू स्वैप हो गई, कर देते हैं इक्वल टू, ठीक है ना, मैं सी कर दिया। अब यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू आपके ए के वैल्यू के बराबर हो गई क्योंकि बी इज इक्वल टू है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 780 के। अब देख रहे हैं कि अब स्वैप हो चुका है, ठीक है, करके देख रिजल्ट क्या, हम इसको जो कर देते हैं आपको समझने के लिए बनाया था, तो प्रिंट करके देखिए यहाँ पे वैल्यू वैल्यू और वैल्यू आपकी एक वैल्यू क्या है, वो क्या 10 है, और यहाँ पे जो आपकी वीक वैल्यू क्या है वो है आपका 780। तो वैल्यू स्वैप हो गया, चेंज हो गई। आप इसको डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हो, ऐसा ना लिख के, डायरेक्ट भी, डायरेक्ट अगर आप प्रिंट करोगे तब भी रिजल्ट आपके लिए, और इसी तरह के से जाते हैं। तो अगर आपके लिए आप वीडियो को लाइक कर या प्रिंट कर, देखिए शायद ये कंपाइलर हैंग हो गया, ठीक है ना, कंपाइलर में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन इसका रिजल्ट सेम आएगा। चलिए, थैंक यू।